जिन्ना की तस्वीर के बाद अब पुलिसिया लाठीचार्ज के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लड़ाई छिड़ गई है। लाठीचार्ज के विरोध में यूनिवर्सिटी के कई छात्र सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राएं कैंपस के बाहर इकट्ठा हुए और पुलिस के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने बुधवार को हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प के बाद किए गए पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की और बेवजह छात्रों पर लाठियां बरसाई। इस बीच यूनिवर्सिटी छात्र संघ ने अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्र संघ के सदस्य सतीश गौतम पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। छात्र संगठन के नेताओं की मांग है कि सतीश गौतम के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। इसको लेकर उन्होंने एडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है। डिमांड ये है कि यहाँ के सांसद पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाए और जो गुंडे आरएसएस गुंडे आए थे उनको जल्द से जल्द उठा करके उनको रासुका लगाई जाए, क्योंकि ये एक मामूली मुद्दा नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट यहाँ आए हैं और हमले की तैयारी की जा रही है, उसे पूछताछ की जाए। दरअसल बीजेपी सांसद सतीश गौतम के एक खत के बाद ही जिन्ना का जिन कैंपस से बाहर आया था। इस खत में उन्होंने यूनिवर्सिटी के वीसी से छात्र संघ हॉल में लगी जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग की थी। बस इसके बाद मामले पर सियासत शुरू हो गई, जिसने कैंपस से लेकर सियासत के गलियारों तक को गर्मा दिया।